الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسول الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم अजीजान गी मैं इस वक्त मदरसे में था तो एक शख्स आया उसने मुझसे पूछा दुआ कनूत के बारे में तो इस मैंने उसको कुछ बातें बताईं दुआ कनूत भी बताया तो मुझे इससे आइडिया हुआ कि हम सिर्फ हमारे हमारे हम में से बहुत से लोगों को शायद दुआ कनूत कुछ कमज़ोर है या उनको आती नहीं है तो चलें एक वीडियो इस पर बनाते हैं और आपके साथ शेयर कर लेते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको दुआ कनूत और इसका तर्जुमा इन शताऊँगा तो तीन रकात वितर वाजिब की नीयत से जब दो रक़ातें पढ़ लें तो दरमियान के कैदे के बाद तीसरी रक्त के लिए खड़ा हो खड़े हो जाएँ और अहमदो और सूरत पढ़ने के बाद दोनों हाथ कानों तक उठाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए फिर बांध लें और अब इस तरह पढ़ें नस्तुका व नस्त फ़िरका वनुब का व नवक्ल आलई का वन आलई कल खैर व नश कर वला नख फुरुक़ा व नख ल न اللهم نعبد نسعى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق पहले इसके अल्फाज सीख लें उसके बाद इसका तर्जुमा नस्तिन का ए अल्लाह हम तो से ही मदद मांगते हैं व नस्त का और तुझ से ही बख्शिश चाहते हैं वनोबे बेका और तुझ पर ईमान लाते हैं व न तोवक्ल और तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं व खैरा और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं व नश्रो का और तेरा शुक्र अदा करते हैं वला नक़ का और तेरी ना शिक्री नहीं करते व नख और अलहदा कर देते हैं व न रुको और छोड़ देते हैं मन उस शख्स को यह जुरुक जो तेरी नाफरमानी करे अल्म का नो अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं वल का और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं व नजो दो और सजदा करते हैं व इले का नस आ और तेरी तरफ कोशिश करते हैं व नह फे दो और हम हाजिरी देते हैं व नर जो रहमत का और तेरी रहमत की उम्मीदवार हैं व नक्शा अज़ाब का और तेरे अजाब से डरते हैं नज़ब का बेशक तेरा जो ऐजा अजाब है काफिरों ही को मिलने वाला है पहुँचने वाला है ये पढ़ें और फिर रुकू वगैरह करें और तीसरे अक़ पर बैठ कर तहत दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर दें अगर फर्ज करें दरूद पढ़ना भूल जाए ये माफी चाहता हूँ दुआ कनू पढ़ना भूल जाए तो रुकू करें दो सजदे करें तो और अब्दू रसूल तक पढ़ के दो सजदे करें जिसको सजदे सहू कहते हैं तो आपकी नमाज इनशाला ठीक हुई क्योंकि दुआ कनूत नमाज वितर में पढ़ना ये वाजिब है ला वाजिब के छूटने से सजदे सऊ करने से नमाज ठीक हो जाती है और जिस शख्स को दुआ कनूत याद ना हो उसके याद होने से पहले उसकी जगह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन तम व क़िना अज़ाबन नार पढ़ लिया करे और कोशिश करनी चाहिए कि दुआ दौा, दुआ कनूत याद करे जब तक याद नहीं होता तो ये पढ़ता रहे ये एक उजर की वजह से एक इजाज़त उलमा ने वरना इसको चाहिए देखे दुनिया के सारे काम इंसान को आते हैं दुआ कनूत ही याद ना हो लेकिन बहरहाल इंसान है तो इंसान को याद नहीं होता तो याद करने की कोशिश करता रहे जब तक याद नहीं हो तो ये दुआ पढ़े या इस तरह तीन दफा के अल्लाह बख्शिश कर तू हमारी पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी ये फतेहगिरी में लिखा है लेकिन दुआ दुआत जरूर याद करना हाँ ये नो कि इंसान सुस्त हो जाए और जान आसान हो जाए कि इसी तरह वितरों के बाद तीन दफा सुबहानलमलिक पाक है बादशाह जो कि मुकदस है मिशक शरीफ में आते और एक बार रबना व रब बुलमला एक हमारा रब वो वो का जब कहना मुस्तहब है ये दार है मसला इस तरह है कि नमाज वितर की नमाज में लफ्ज वाजिब कहना अगरचे वाजिब नहीं लेकिन इरादा तन की जरूरी है सिर्फ नमाज की नीयत काफी नहीं ये इमदादुल फतावा में लिखा है अल्लाह ताला आपको और मुझे की सारी उम्मत को सही इस्लाम को समझने और सही इस्लाम पर अमल करने की मेहफी कथा फरमाए जजाकल्ला खैरा